शांति। मैं कुछ दिनों पहले एक सेशन कंडक्ट कर रही थी और उस सेशन के बाद एक बहन आई और मुझे बात करने लगी। उसने कहा, सिस्टर मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता। मैंने कहा, क्यों, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? उसने कहा, हम चार बहनें हैं, वी ऑल आर मैरिड। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी जो तीन बहनें हैं, ये तीन बहनें जो है, मुझे ऐसे लगता है वो मेरे साथ इतना प्यार नहीं करती जितना इन तीनों का आपस में बहुत अच्छा है। इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग, केयरिंग, अटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन उतना इनका मेरे साथ नहीं है। ऐसे मुझे बार बार फील होता है और इसलिए कई बार मुझे लोनलीनेस महसूस होता है। अभी ये कंप्लेंट तो हमने उनकी सुनी, लेकिन ऐसी ही कंप्लेंट कईयों की है। और वो लोग कई बार ये कहते हैं, सब कुछ है लाइफ में, सुखों के सारे साधन हैं, लेकिन रिलेशंस भी है, लेकिन मन अकेला महसूस करता है, जीवन में अकेलापन बहुत महसूस होता है और यही फीलिंग होती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। आपको मालूम है, जो विचार, जो संकल्प हम करते हैं, वो थॉट, वो संकल्प डायरेक्ट हमारे रिश्तों की तरफ जाता है, हमारे रिश्तों के ऊपर उसका असर होता है। जब हम ये कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, इसलिए मेरा स्वभाव आजकल काफ़ी नेगेटिव बन चुका है, या फिर आजकल मैं काफ़ी ड्राई नेचर वाली बन चुकी हूँ, तो यस, जो लोग आपको प्यार करने वाले होंगे, वो भी हो सकता है आपसे दूर चले जाएंगे। उसी टाइप का ऑरा हम क्रिएट करेंगे और उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और इसलिए अगर हम इस सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, अपने इस एक्सपीरियंस को वापस रिपीट होना नहीं देना चाहते हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, और वो कौन सी, सबसे पहले आज तक ये व्यर्थ सोच सोच कर परिणाम तो देख लिया, बार बार यही सोचा ना, यही व्यर्थ विचार किया ना, तो अभी चलो व्यर्थ से हम समर्थ विचार की ओर चलते हैं और अपने जीवन में उस प्रेम को और शक्ति को महसूस करते हैं, अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में। और वो किस प्रकार से, यस, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं सबको, इस दुनिया को, सारे रिश्तों को मैं प्यार करती हूँ। इस दुनिया में सारे लोग ओरिजिनली बहुत प्रेम से भरे हुए हैं। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं सबको सिर्फ प्यार बांटती हूँ, प्यार बांटती हूँ, चाहे कोई मेरी तरफ ध्यान दे या ना दे, अटेंशन दे या ना दे, पूछे या ना पूछे, लेकिन मैं सबको प्यार बांटती हूँ। जिससे भी मिलती हूँ, उनके साथ प्यार से बात करती हूँ, उनके बारे में प्यार से शुभ सोचती हूँ। ये ट्रिक उस बहन को दी और यस, शी फॉलोड द ट्रिक। और थोड़े दिन के बाद वो आकर कहती है, सिस्टर यस, ये दुनिया बहुत सुंदर है और अभी मुझे लग रहा है मैं भी प्रेम से भरी हुई हूँ और मैं सबके साथ प्यार से चल रही हूँ, तो मुझे ये बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है कि हम चारों बहनों में प्यार है, लेकिन इस दुनिया के सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। तो चलिए अपने विचारों को व्यर्थ से समर्थ बना देते हैं और बहुत सुंदर विचार करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं
अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं इस सारी दुनिया से प्यार करती हूँ, और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटती हूँ। रिजल्ट क्या होगा? जो लोग मेरी दुनिया में हैं वो लोग प्यार करने वाले हैं, वो और ज़्यादा प्यार करना शुरू करेंगे। दूसरा, मेरी लाइफ में और ऐसे भी रिश्ते आ जाएंगे जो मेरा ध्यान रखेंगे, प्यार करेंगे, और ऑफ कोर्स मैं भी एक लवली और लवफुल, एक बहुत सुंदर मूर्ति बन जाऊंगी। तो रेडी अपने इस इमेज को चेंज करने के लिए, मोर लवली मोर लवफुल बनने के लिए? ओम शांति।